स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और इस वक्त मैं हूं गुरुग्राम में। तो इस वीडियो में मैं आपको दुबई कार्निवल मेले का टूर करवाने वाला हूं। सो दुबई कार्निवल का मेन अट्रैक्शन है अंडरग्राउंड फिश टनल एक्वेरियम। इसके अलावा यहां पर दुबई सिटी का सेटअप भी किया गया है, जहां पर आप बुर्ज खलीफा का रेप्लिका देख सकते हैं, एफिल टावर का रेप्लिका देख सकते हैं। इसके अलावा यहां पर कई सारी राइड्स हैं जिनका आप मज़ा ले सकते हैं, जिनके चार्जेज अलग से हैं। दुबई कार्निवल मेले के लोकेशन की बात करूँ तो वो है लेजर वैली ग्राउंड सेक्टर 29 गुरुग्राम। और यहाँ आने के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन, जो कि येलो लाइन पे लोकेटेड है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको दुबई कार्निवल मेला घूमने की पूरी जानकारी मिल सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इस काउंटर से आप टिकट ले सकते हैं। टिकट का प्राइस बता दूँ, अगर आप अंडरग्राउंड फिश टनल एक्वेरियम घूमना चाहते हैं तो उसका टिकट प्राइस है 100 रुपये। और अगर आप दुबई सिटी घूमना चाहते हैं तो उसके अलग से आपको 100 रुपीज़ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और यहाँ की कॉम्बो टिकट का प्राइस है 150 रुपये, जिसमें आप फिश टनल एक्वेरियम और दुबई सिटी दोनों देख सकते हैं। टाइमिंग्स की बात करूँ तो वो है 4 बजे से लेके रात को 10 बजे तक। दुबई कार्निवल के एंट्रेंस पे आपको ये यूनिकॉर्न देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर का जो मेन अट्रैक्शन है एक ईगल सा लगा हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो काफ़ी स्पेस है पार्किंग के लिए। यहाँ पर लेजर वैली ग्राउंड है सेक्टर 29 में गुड़गांव का। तो यहाँ से एंट्रेंस होती है सामने से, यहाँ से आगे से राइट लेना पड़ेगा। यहाँ पर कई सारे फिश एक्वेरियम बने हुए हैं, इस तरफ भी आप देख सकते हैं और उस तरफ भी है। जहाँ पर सबसे पहला एक्वेरियम जो आप देखेंगे वहाँ पर आपको ये सिल्वर और ऑरेंज कलर की मछली देखने को मिलेगी, और यहाँ पर ये काफ़ी भारी मात्रा में है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये काफ़ी छोटी सी मछली है जो ब्लैक और गोल्डन कलर की है, काफ़ी तेज भाग रही है। और इसके साथ ही नीचे आप ये मछली देख सकते हैं धारियों वाली, और यहाँ पर और भी कई छोटी छोटी मछली है। तो इस दूसरे एक्वेरियम में आप काफ़ी छोटी छोटी मछली देख पाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे ये मछलियाँ, ये थोड़ी मोटी सी लग रही है, ये सिल्वर कलर की है। इसके साथ ही एक ये बेज कलर की मछली भी है यहाँ पर। और इस एक्वेरियम में यही दो तरह की मछलियाँ हैं। यहाँ पर ये ऑरेंज वाली छोटी मछली कितनी प्यारी लग रही है, और ये वाइट वाली भी काफ़ी सुंदर लग रही है, और यहाँ पर ये काली वाली भी आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से भाग रही है। और यहाँ पर इस तरफ ये लेफ्ट साइड में यहाँ पर काफ़ी डेंसिटी है मछलियों की, काफ़ी अलग अलग तरह की मछलियाँ हैं, काफ़ी डिफरेंट कलर्स की मछलियाँ हैं इस तरफ। और नीचे भी काफ़ी आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की मछली है, फिर ये सिल्वर कलर की है, और इस तरफ भी हैं काफ़ी। ये शायद एंजल फिश है, इस तरफ है काफ़ी सारी। और इसके कोट आप देख सकते हैं ये ब्लैक और ग्रेश टाइप का है, और यहाँ भी है इस तरफ भी है, लेकिन उस तरफ लेफ्ट साइड में काफ़ी भारी मात्रा में। और ये काफ़ी रेयर सा कलर लग रहा है इसका, सिल्वर कलर का। ये मछली की शेप भी काफ़ी यूनिक है, काफ़ी डिफरेंट। फिर आती है ये बेज कलर की मछली, जिसके ऊपर आप छोटे छोटे स्पॉट्स देख सकते हैं जो सिल्वर कलर के हैं। तो ये भी काफ़ी यूनिक मछली है यहाँ पर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मछलियों का साइज़ भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर हमें काफ़ी बड़ी मछलियाँ देखने को मिल रही हैं, ये ब्लैक वाली जो है, और इसके साथ यहाँ पर ऐसे ब्लैक कलर की 4 बड़ी मछलियाँ हैं, और उसके साथ साथ काफ़ी आपको छोटी मछलियाँ भी इस एक्वेरियम में दिख रही होंगी। एक ये मछली भी है, स्ट्राइप्स वाली मछली है, जेब्रा का प्रिंट लग रहा है, जैसे जेब्रा का प्रिंट होता है ना उसी तरह की लग रही है, ये जेब्रा प्रिंट फिश भी बोल सकते हैं शायद इसको। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मछलियों का साइज़ भी बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर इस सेक्शन में हमें सबसे बड़ी मछलियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही है, सिल्वर कलर की है ये। फिर है इसके बाद ये शायद ये ईल जैसी लग रही है, लेकिन ईल तो बड़ी होती है साइज़ में, लेकिन ये शायद उसका छोटा फॉर्म है। और इस मछली को आप देखिए काफ़ी यूनिक लग रही है, इसके स्पॉट देखिए आप, बैक में स्पॉट है और इसकी टेल जो है वहाँ पर आपको पीछे 2 स्पॉट देखने को मिलेंगे। और इस एक्वेरियम में आपको सिर्फ यही मछली देखने को मिलेगी, मीडियम साइज़ की मछली है, सिल्वर कलर की है। और ये इस सेक्शन का सबसे लास्ट एक्वेरियम है जहाँ पर आपको इस सेक्शन की सबसे बड़ी मछली देखने को मिलेगी, जो है ऑरेंज और ब्लैक शेड में। और इसके बाद ये मछली है, फिर हम देखते हैं कई डिफरेंट कलर्स की मछली है, वाइट, ऑरेंज, सिल्वर, ब्लैक, और वो भी छोटे साइज में। ये भी काफ़ी सुंदर मछली है, लाइट ऑरेंज सा शेड है इसका। और इसके साथ ही आपको ये छोटी मछलियाँ भी देखने को मिलेंगी, जो नीचे इस तरफ काफ़ी डेंसिटी है ये सिल्वर और ब्लैक कलर की मछली की। और यहीं पर आपको ये 4 बड़े एक्वेरियम देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको यहाँ की सबसे बड़ी मछलियाँ देखने को मिलेंगी। तो ये एक्वेरियम जो है यहीं तक था, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ के मेन अट्रैक्शन में, जो कि है अंडरग्राउंड फिश टनल एक्वेरियम। तो
तो अब हम हैं फिश टनल एक्वेरियम में, जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है दुबई कार्निवल का, जहाँ पर आपको कई डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट साइजेस की मछलियाँ देखने को मिलेगी। जैसे ही हम एंट्री करते हैं, आपको कई डिफरेंट कलर्स की छोटी छोटी मछलियाँ देखने को मिलेंगी। और ऐसे ही यहाँ पर पूरे स्प्रेड आउट है मछलियाँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंट तरह की मछलियाँ हैं। ये रेड कलर की है, सिल्वर, पिंक, लाइट्स भी यहाँ पर डिफरेंट तरह की हैं। एक यहाँ पर आपको पिंक लाइट दिख रही होगी, पर्पल सी, एक यहाँ पर आपको ब्लू लाइट भी दिख रही होगी और पिंक लाइट भी दिख रही होगी। जैसे जैसे इस टनल में हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मछलियों का साइज़ भी बढ़ता जा रहा है, जैसे हमने पीछे उन दो सेक्शंस में देखा था। और यहाँ पर ये डिफरेंट साइजेस की मछलियाँ हैं, यहाँ पर बड़ी भी हैं, छोटी हैं, फिर मीडियम साइज़ की भी हैं, और इस तरह भी वैसे ही है, और ये वाली भी, और जो लाइट सिल्वर कलर की वो भी यहाँ की सबसे बड़ी साइज़ की मछली है। तो अंडरग्राउंड फिश वाटर टनल यहीं तक था। इसके बाद मैं आपको यहाँ का मेला दिखाता हूँ, जहाँ पर आपको दुबई सिटी डिफरेंट शॉप्स है, जहाँ पर आपको क्लोथ, होम यूटिलिटी के आइटम्स और कई वस्तुएं देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप अच्छी खासी शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपको एक बुक शॉप दिखेगी, जहाँ पर आप कोई भी आप नोवेल ले सकते हैं 200 रुपये में। उसके बाद आप कोई भी चिल्ड्रन बुक ले सकते हैं, उसका भी प्राइस 100 रुपये है। काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाएगी आपको बुक्स की यहाँ पर। सो आप यहाँ पर कोई भी बुक 200 रुपये में ले सकते हैं। ये शावर है, किचन में लगाने के लिए बर्तन होता है, छीटे पड़ते हैं, पानी वेस्ट होता है, उसके लिए काम आता है। अच्छा, ये गाड़ी धोने का काम आता है, पाइप लगाना अपना घर का ऐसे नॉर्मल। अच्छा, आप गार्डन के लिए आएगा, गार्डन के नट बोल्ट है, खिड़की दरवाजे है, प्लेटफॉर्म है, एसी है, विंडो है। अच्छा, क्योंकि बाइक सब में काम आता है। कितने मोड्स हैं उसमें? 5-6 कितने? 8 मोड है। 8 मोड है। कितने का ये? 250 का। ये 100 रुपये का तो है। ये 100 रुपये 100 रुपये का। और ये वाला 250। डिश वॉशर लिक्विड डालना, बटन दबाओगे इससे आप बर्तन के लिए काम आएगा। बर्तन कॉर्नर है, घर में टाइल है, मार्बल है, सिंक है, गैस चूल्हा था। और ये कितने का? 100 का पैकेट आएगा। 100 का पैकेट। इस शॉप में आपको डिफरेंट तरह के होम यूटिलिटी आइटम्स मिल जाएंगे। जैसे इस शॉप पे आपको हर आइटम जो है वो 50 रुपये का मिलेगा, और इस दुकान में आपको लेडीज आइटम्स ही मिलेंगे सिर्फ। ऐसे आपको डिफरेंट तरह की यहाँ पर शॉप्स मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको डिफरेंट फूड आइटम्स मिलेंगे, क्लोथ्स मिलेंगे और खाने का सामान मिलेगा। और यहाँ पर आप डिफरेंट कार्टून कैरेक्टर्स के स्टफ टॉयज भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ कारपेट्स मिलती हैं। क्या बोलते हैं, किचन के लिए, गाड़ी के लिए, फ्रिज अलमारी के लिए। किचन में काम करते हैं, दूध, दाल, सब्जी, चाय, कॉफी, ऑयल, सॉस कुछ भी कर जाता है। एक नॉर्मल कपड़े से ऑयल साफ करते हैं, कपड़ा काला गंदा होता है, फेंकना पड़ता है, पानी में डिप करेंगे, रब करेंगे, सारी गंदगी सारा ऑयल पानी में हैंड पैड क्लीन हो जाता है। फर्श पे गिरा चाय पानी को फिर होता है, पोछा वाइपर लगाते हैं। ये नॉर्मल कपड़े से 10 गुना ज़्यादा पानी सोखेगा, सोखने के बाद पूरा पानी लॉक कर लेगा, पानी की एक बूंद। ये वन टाइम में ड्राई, वन टाइम में क्लीन करेगा, लाइनिंग क्लीन छोड़ेगा। साल भर की लाइफ है, ज़्यादा गंदा हो जाए शैम्पू लगा के वॉश कर दो, सारी गंदगी पानी निकल जाती है, हैंड पैड क्लीन हो जाता है। एक ही आता है कपड़ों के दाग हटाने के लिए होता है ये वाला। हाँ जी, खाते पीते कुछ भी कहता है, बच्चे लोग स्कूल ड्रेस साफ करते हैं, बॉल पेन की लगती है, लिपस्टिक नेल पॉलिश का दाग, हेडे मेहंदी का दाग, धनिया बड़ा लगाते हैं, दाग को रिमूव करता है, बिना सरफ, बिना साबुन, बिना पानी के दाग रहता है, 10 मिनट नहीं करेंगे दाग गया का। खाने के दाग में बड़ा लगाते हैं, चाय, कॉफी, पान, हल्दी, कड़ी, फ्रूट जूस, जैम, चॉकलेट, आइसक्रीम। कपड़े धोते, कपड़े गर्म, कपड़े पहनता, होली मेहंदी का दाग खाली पड़ा, पुराने से पुराना हार्ड साइड दाग होता है। तो ये इसमें चार कड़े कपड़े डालते, जंग लगे, जंग का दाग रहती है, चार बोतलों की किट आती है पूरी। एक ही आता है कारपेट, सोफा, बेडशीट, गाड़ी की सीट, गाड़ी का बैग, कुछ भी साफ करेंगे धूल मिट्टी कचरा सब उठा के लेके आएगा, ये सालों साल चलेगा। एक आता है ये ग्लास मिरर, इसमें 1 रुपए का शैम्पू, बाकी डालेंगे पानी, कोई कॉलिन, कोई पेपर लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से कर रहा है स्प्रे, यहाँ से कर दे रहा है गाड़ी का शीशा, घर का शीशा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, शोरूम ग्लास, विंडो ग्लास, गाड़ी की बॉडी, फ्रिज की बॉडी, सारे ग्लास। हाँ जी, वन टाइम ड्राई, वन टाइम क्लीन, बिल्कुल ड्राई करता हो जाता है। ये 250 का है, घर पे मंगाना है मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर 9899100926। और ऑल इंडिया कहीं भी मंगा सकते हैं, बट कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम नहीं करते हम लोग। और इनका क्या प्राइस है ये मैजिक टॉवल? ये 150 में 250 में 500 में 5 दिए जा रहे हैं। लोग देखेंगे यहाँ पे, मंगाएंगे अमेजोन से, अमेजोन की क्वालिटी और हमारी क्वालिटी में बहुत फर्क होता है। एक यहाँ पे दुबई सिटी की जो एंट्रेंस है वो यहाँ से होती है, और जो यहाँ की एंट्रेंस है वो लंदन ब्रिज की थीम पे बना रखा है उसको। जैसे आप यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं तो ये लंदन ब्रिज बना हुआ है, थोड़ी दूर आगे जाकर ही राइट साइड में आपको दुबई सिटी की एंट्रेंस मिलेगी। हमें यहीं से आगे जाना है। दुबई सिटी में आते ही सबसे मिडिल में जो आप देखेंगे वो है एफिल टावर का रेप्लिका, और फिर साइड में आप ये हार्ट शेप प्लास्टिक के फ्लावर से बना हुआ एक वो देख सकते हैं। उसके बगल में एक सर्कल सा आप देख सकते हैं, जिसमें डिफरेंट तरह की लाइटिंग्स की गई हैं, और ऐसे डिफरेंट शेप और साइजेस की यहाँ पर कई दुबई से रिलेटेड आइटम्स आपको मिल जाएंगे, जो या तो वहाँ की फेमस बिल्डिंग्स हैं या तो वहाँ के
कुछ आइकॉनिक चीज़ें हैं जिनका आप यहाँ पर रेप्लिका देख पाएंगे। और यहाँ पर ये गणेश जी का मंदिर भी है इस दुबई सिटी के सेक्शन में। यहाँ पर ये पाम ट्री भी है जो दुबई की पहचान है। यहाँ पर भी इसमें डिफरेंट तरह की लाइटिंग की गई है। ये है दुबई मिरर का रेप्लिका। और यहाँ पर एक टनल सी बना रखी है तिरंगे और इंडियन फ्लैग के कलर्स में, जिसमें भी काफ़ी सुंदर लाइटिंग्स करी गई है। यहाँ पर भी आप काफ़ी फ़ोटोज और सेल्फीज ले सकते हैं। दुबई का जो आइकॉनिक बुर्ज खलीफा है वो भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। इस पर भी काफ़ी सुंदर लाइटिंग्स करी गई हैं। काफ़ी सुंदर, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। और सेक्शन में आपको दुबई की जो डिफरेंट आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं उनका रेप्लिका देखने को मिलेगा। इसके बाद हम आते हैं दुबई कार्निवल के मेला सेक्शन में, जहाँ पर आपको डिफरेंट तरह की राइड्स और डिफरेंट वराइटीज ऑफ फूड शॉप्स हैं। और इन झूलों और राइड्स का प्राइस भी डिफरेंट है। जैसे ये फेरिस व्हील है, इसका प्राइस 100 रुपीज़ है। जायंट व्हील का प्राइस भी 100 रुपीज़ है। और ये जो बोट आप देख सकते हैं इसका प्राइस 100 रुपीज़ है। ये जो ट्रेन है इसका प्राइस 50 रुपीज़ है। और भी कई सारे झूले हैं जो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, जितनी भी राइड्स हैं यहाँ पर, और उनका सबका पर्टिकुलर अपना अलग प्राइस है। और इसी सेक्शन में आपको फूड के वेरियस ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें कुछ हट के फूड आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, जैसे स्मोक बिस्कुट्स, कॉकटेल्स हैं डिफरेंट तरह की, और मोनिका स्पेशल पानी पूरी वाला है। और फिर आपको यहाँ पर वड़ा पाव, पाव भाजी, टर्किश आइसक्रीम का स्टॉल मिलेंगे। और इसके अलावा आपको अगर चाइनीज़ खाना है तो आप यहाँ पर साइको चाइनीज़ स्टॉल पे डिलीशियस चाइनीज़ खाना खा सकते हैं। गोल्डन कैंडी भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पिज़्ज़ा पैराडाइज पे कुल्हड़ पिज़्ज़ा भी ट्राई कर सकते हैं, और बॉम्बई भेल भी एक ऑप्शन है। तो ऐसे आपको डिफरेंट यहाँ पर फूड आइटम्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आप डिफरेंट तरह के व्यंजन का लुफ्त उठा सकते हैं। यहाँ पर एक हॉन्टेड हाउस भी है जिसका चार्जेस है 80 रुपीज़। वीडियो में मैंने आपको दुबई कार्निवल में डिफरेंट अट्रैक्शंस का टूर करवाया। यहाँ का अंडरग्राउंड फिश टनल एक्वेरियम, यहाँ पर आप कौन कौन से फूड ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं, मेले में कौन कौन से आइटम्स देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको दुबई कार्निवल के मेले के बारे में कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।